हेलो व्यूअर्स, आई होप आप सब सुन के व्यूअर्स, आज का हमारा टॉपिक है एस्टिमेशन बाय कॉन्फिडेंस इंटरवल। स्टूडेंट, इससे पहले मैंने आपको एस्टिमेशन के बारे में बताया। हम लोगों ने एस्टिमेट को देखा, हम लोगों ने एस्टिमेटर देखा और पॉइंट एस्टिमेशन और इंटरवल एस्टिमेशन के बारे में जो है हम लोगों ने डिस्कस किया था प्रीवियस वीडियो में। अब जो मैं नया टॉपिक लेके आई हूँ वो हमारे पास है एस्टिमेशन बाय कॉन्फिडेंस इंटरवल। अब इसको हम लोग जो है डिस्कस कर लेते हैं। आए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरी वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। अब हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। अब मैंने यहाँ पर जो है इसकी थोड़ी सी जो है डेफिनेशन कह लिया, थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन लिखी है कि हमारे पास कॉन्फिडेंस इंटरवल एस्टिमेशन या कॉन्फिडेंस इंटरवल एस्टिमेट क्या होता है। अ कॉन्फिडेंस इंटरवल एस्टिमेट ऑफ द अननोन पैरामीटर थीटा इज एन इंटरवल कंप्यूटेड फ्रॉम अ रैंडम सैंपल ऑफ एन वैल्यूज दैट इज x1 x2 सो ऑन xn विद द स्टेटमेंट ऑफ हाउ कॉन्फिडेंट 90% 95% 99% वी आर दैट द इंटरवल कंटेन्स द अननोन पैरामीटर थीटा। अब हमारे पास कॉन्फिडेंस इंटरवल एस्टिमेट जो है वो हमारे पास क्या होता है, वो हमारे पास अननोन पैरामीटर का एक इंटरवल होता है जिसको हम अपने रैंडम सैंपल से जो है वो कंप्यूट करते हैं और उसमें बाद हमारे एक कॉन्फिडेंस ही आ जाती है कि हम लोग जो बता रहे होते हैं कि हमारे पास जो अननोन पैरामीटर थीटा की जो वैल्यू है वो हमारे इंटरवल के अंदर किस कॉन्फिडेंस के साथ ला कर रही है, हम कितने कॉन्फिडेंट हैं ये बताने के लिए कि हमारी जो अननोन पैरामीटर थीटा की वैल्यू है वो इस इंटरवल के अंदर ला कर रही है और उसका हम कितने कॉन्फिडेंट हैं उसके लिए, हम 90% कॉन्फिडेंट, 95% है या हम 99% है। तो ये हमारे पास क्या होता है, कॉन्फिडेंस इंटरवल एस्टिमेट। और कॉन्फिडेंस इंटरवल एस्टिमेट को हम किस तरह से जो है वो शो करते हैं, उसको शो करने का तरीका होता है एल लेस देन थीटा लेस देन, ये हमारे पास क्या है, कॉन्फिडेंस इंटरवल एस्टिमेट, या हम कह सकते हैं ये वो इंटरवल है जिसमें हमारी अननोन पैरामीटर की जो वैल्यू है वो लाई करती है, ये वो इंटरवल है। अब सपोज ये हमारे पास क्या है, लोअर लिमिट, लोअर कॉन्फिडेंस लिमिट, और ये हमारे पास क्या है, अपर कॉन्फिडेंस लिमिट। और ये आपको बीच में क्या नजर आया, ये हमारे पास है अननोन पैरामीटर जो कि हमारे इस इंटरवल के बीच में जो है वो लाइक कर। अच्छा, नेक्स्ट बात हमारे पास यहाँ पे ये आ रही है कि हमारे पास जो थीटा की वैल्यू है वो इन दो जो हमारे पास लिमिट्स हैं, कॉन्फिडेंस लिमिट्स हैं, इसके ऊपर डिपेंड कर रही है हमारे पास। और इसको हम जो इस लिमिट है हम उसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ लोअर कॉन्फिडेंस लिमिट लेस देन थीटा लेस देन अपर कॉन्फिडेंस लिमिट इक्वल्स 1 माइनस। अब 1 माइनस अल्फा हमारे पास वो प्रोबेबिलिटी है यहाँ पर जो हमें बता रही है कि हमारे पास जो थीटा है वो इस इंटरवल के बीच में जो है वो लाई कर रहा है, यानी वो कितनी प्रोबेबिलिटी बता रहा है हमारे पास कि हमारा जो पैरामीटर है, अननोन पैरामीटर है, वो इस इंटरवल के बीच में जो है वो लाई करेगा। 1 माइनस अल्फा जो है इस चीज़ को जो है हमारे पास शो कर रहा है। अब इंटरवल जो हमारे पास है एल यू, इसको हम लोग क्या करते हैं, द इंटरवल एल कॉमा, यानी ये हमारे पास क्या है, वो इंटरवल है जिसमें हमारे पास अननोन पॉपुलेशन पैरामीटर जो है वो लाई करता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इस कॉल्ड 100 1 माइनस अल्फा परसेंट कॉन्फिडेंस इंटरवल। ये चीज हमारे पास क्या है, इस कॉल्ड 100 1 माइनस अल्फा परसेंट कॉन्फिडेंस इंटरवल। और 1 माइनस अल्फा हमारे पास क्या है, इसको हम कहेंगे कॉन्फिडेंस कोफिशिएंट या कॉन्फिडेंस लेवल। ये हमारे पास क्या है, कॉन्फिडेंस कोफिशिएंट, या हम इसको कहेंगे कॉन्फिडेंस इंटरवल। सॉरी, कॉन्फिडेंस लेवल। आई होप स्टूडेंट्स आपको यहाँ तक जो है वो बात की समझ आ गई होगी कि मैं आपको जो है आज बेसिक जो है वो उसका बता रही हूँ। अब हमारे पास यहाँ पर 1 माइनस अल्फा तो हमारे पास कॉन्फिडेंस कोफिशिएंट या कॉन्फिडेंस लेवल को शो कर रहा है, और मैंने आपको बताया था ये उस प्रोबेबिलिटी को शो करता है कि हमारे पास जो अननोन पैरामीटर, जो अननोन पॉपुलेशन पैरामीटर जो थीटा है वो हम लोगों ने सपोज किया, हम कुछ भी ले सकते हैं, वो हमारे पास इस इंटरवल के बीच में जो है वो लाइक कर है, ये उस प्रोबेबिलिटी को शो करता है 1 माइनस अल्फा। लेकिन यहाँ पर जो हमारे पास अल्फा है वो किस चीज़ को शो करता है, अल्फा इज अ प्रोबेबिलिटी दैट द पैरामीटर थीटा विल लाई आउटसाइड द इंटरवल। अल्फा किस चीज़ को शो कर रहा है कि हमारे पास जो अननोन पैरामीटर है वो उस इंटरवल के
आउटसाइड में जो है लाई करेगा। अल्फा किस चीज को शो कर रहा है? इज अ प्रोबेबिलिटी दैट द पैरामीटर थीटा विल लाई आउटसाइड द इंटरवल। अब हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, हमारे पास फॉर एग्जाम्पल अब यहां पर अगर हमारे पास जो है वो अल्फा की वैल्यू जो है वो 0.05 है, इफ अल्फा इक्वल 0.05 तो 1 माइनस अल्फा हमारे पास क्या हो जाएगा 1 माइनस 0.05 विच इज 0.95, हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। अब ये हम इसका मतलब ये है कि हम 95% कॉन्फिडेंट हैं कि हमारे पास जो अननोन पैरामीटर थीटा की जो वैल्यू है वो इस इंटरवल के अंदर जो है वो लाई कर रही है, यानी ये चीज हमें बता रही है। अल्फा हमें बता रहा है पॉसिबिलिटी को जो कि हमारे पास जो थीटा की वैल्यू है वो हमारे इंटरवल के आउटसाइड पे लाई कर रही है। 1 माइनस अल्फा बता रहा है जो पैरामीटर अननोन पैरामीटर की वैल्यू जो है वो हमारे इंटरवल के बीच में लाई कर रही है। आई होप स्टूडेंट्स आपको इसके साथ जो है इसकी जो मैंने बेसिक है वो आपको इसका समझ आया होगा। अब मैं आपको ये सारी एक्सप्लेनेशन जो है वो ग्राफ के थ्रू जो है वो आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। प्लस यहाँ पर हमारे पास जो है वो बेल कर्व है और आपको पता है कि बीच में जो है हमारे पास यहाँ पर म्यू की वैल्यू जो है वो लाई करती है, ठीक है। ये हमारे पास क्या है पॉपुलेशन पैरामीटर व्यू, यहाँ पे आप थीटा भी ले सकते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे थीटा ले लेते हैं जो कि बीच में जो है वो उसके लाई कर रही है। यहाँ पर हमारे पास है लोअर कॉन्फिडेंस लिमिट, यहाँ पर हमारे पास क्या है अपर कॉन्फिडेंस लिमिट, यहाँ पर हमारे पास वैल्यूज प्लस इन्फिनिटी की तरफ जा रही हैं और यहाँ पर हमारे पास वैल्यूज माइनस इन्फिनिटी की तरफ जा रही हैं। अब मैंने आपको बताया था कि हमारे पास जो कॉन्फिडेंस इंटरवल है दैट इज दिस वन, इसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो किसके बराबर है 1 माइनस अल्फा, यानी 1 माइनस अल्फा हम लोगों को पॉपुलेशन पैरामीटर के कंटेन होने के इस इंटरवल के अंदर उसकी प्रोबेबिलिटी बताता है, यानी 1 माइनस अल्फा हमारे पास कहाँ शोर है इसके अंदर, दैट इज 1 माइनस अल्फा जो कि हमें बता रहा है कि जो हमारा थीटा है वो इस इंटरवल के बीच में जो है वो लाई करेगा और कितने हम कितने कॉन्फिडेंट हैं उसके लिए, और जो हमारे पास जो अल्फा है वो आउटसाइड पर जो है वो लाई करेगा। स्टूडेंट्स ये थी वो सारी एक्सप्लेनेशन जो कि मैं आपको समझाना चाह रही थी कि हमारे पास जो एस्टिमेशन बाय कॉन्फिडेंस इंटरवल होती है या कॉन्फिडेंस इंटरवल की एस्टिमेशन जो होती है वो क्या होती है, इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट था वो मैंने आपको बता दिया। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो में जो है मैं आपको हम लोग जो है कॉन्फिडेंस इंटरवल एस्टिमेशन देखेंगे पॉपुलेशन मीन की, और पॉपुलेशन मीन के जो है वो डिफरेंट केसेस जो हैं वो हमारे पास होते हैं और उसको हम किस तरह से उसका कॉन्फिडेंस इंटरवल एस्टीमेट जो है या उसकी कॉन्फिडेंस इंटरवल एस्टीमेशन हम जो किस तरह से फाइंड आउट करते हैं उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। लेकिन स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही काफ़ी है, क्योंकि अगर मैंने आपको वो सब कुछ भी इस एक ही वीडियो में बता दिया तो हो सकता है कि आप उसको कन्फ्यूज हो जाएँ, वो सारा कुछ मिक्सअप हो जाए। स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही काफ़ी है। स्टूडेंट आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा स्टूडेंट्स, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। स्टूडेंट्स ये मेरी बहुत ज़्यादा आपसे रिक्वेस्ट है कि मुझे सपोर्ट करें, मैं आपके लिए काम कर रही हूँ और मैं करना भी चाहती हूँ कि मैं स्टूडेंट्स को जो है वो इजी वे में जो स्टैटिस्टिक्स के बारे में जो टॉपिक्स हैं वो मैं अच्छे से समझा पाऊँ, और मैं इसके लिए भरपूर कोशिश कर रही हूँ। प्लीज़ इसमें जो है मुझे जो है वो ज़रूर सपोर्ट करें। अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, बाय।